हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ बॉम्ब ऑफ मास 3m इज केप्ट इनसाइड ए क्लोज्ड बॉक्स ऑफ मास 3m एंड लेंथ 4l एट इट्स सेंटर। इट एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स ऑफ मास m एंड 2m। द टू पार्ट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड स्टिक टू द ऑपोजिट साइड ऑफ वॉल्स ऑफ बॉक्स। बॉक्स इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। What is the distance moved by the box during this time interval? तो जैसा कि हम जानते हैं, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। सो हम एज्यूम करते हैं कि बॉक्स की इनिशियल पोजीशन ये है और कुछ देर के बाद इसकी पोजीशन ये हो जाती है। लेट्स से इट इज द फाइनल पोजीशन। It's like this. तो बॉक्स अपनी जगह से मूव करके चला जाता है एक्स। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स। और पहले शेल यहां बीच में रखा हुआ था, तो ये हमारा मिड पॉइंट यानी मिड सेक्शन है। ये डिस्टेंस 2l, ये डिस्टेंस भी 2l है। सो ये भी x रहा होगा। तो अगर ये शेल एक्सप्लोड होगा या बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, तो इसका m पार्ट गया लेफ्ट साइड, दैट इज इट इज m, और 2m पार्ट गया राइट साइड, इट इज 2m। सो जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले वाली पोजीशन यहां थी इस जगह शेल की, तो स्मॉल m मास के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 2l माइनस एक्स। तो स्मॉल m में डिस्प्लेसमेंट हुआ 2l माइनस एक्स, और 2m में डिस्प्लेसमेंट होता है 2l प्लस एक्स। तो 2l प्लस एक्स। So, अब हम लगा सकते हैं अपनी एक्सप्रेशन। डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास विच इज जीरो शुड बी इक्वल टू एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू प्लस एम थ्री डेल्टा एक्स थ्री डिवाइडेड बाई टोटल मास, एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एम वन दैट इज बॉक्स, तो इसका मास हो गया 3m। चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट राइट है तो हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स। देन स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है, इसलिए हम इसको लेंगे माइनस एम इंटू टू एल माइनस एक्स, और 2m का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है तो लिखेंगे प्लस 2m इंटू टू एल प्लस एक्स। इन सबका सम होना चाहिए जीरो। सॉल्व करते हैं इसको, तो मिलेगा 3x माइनस 2 माइनस 2l प्लस एक्स, एंड देन इट इज प्लस 4l प्लस 2x इज इक्वल टू जीरो। सो x मीन्स 6x प्लस 2l इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू माइनस एल बाई थ्री। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है राइट साइड, एक्चुअल में आंसर उसके ऑपोजिट आ रहा है। सो एल बाई थ्री लेफ्ट डायरेक्शन आंसर हो जाएगा सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।